प्रदेश में आज के बड़े सवाल, बीजेपी इमरजेंसी के 43 साल पूरा होने को काला दिवस के रूप में मना रही। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा है कि कांग्रेस ने इमरजेंसी में संविधान का ख्याल नहीं रखा, बल्कि रखा तो सिर्फ पूरे परिवार का ख्याल। आज भी वो सिर्फ परिवार का ही राज है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि अब भी कांग्रेस की मानसिकता आपातकाल वाली है? आज जब बीजेपी ने देश के उस काले पन्ने को देश के सामने रखा तो कांग्रेस जवाब में इमरजेंसी पर इंदिरा गांधी के माफीनामे को लेकर के सामने आ गई। क्या इमरजेंसी पर इंदिरा की माफी से मिटेगा लोकतंत्र की हत्या का पाप? ये बड़ा सवाल देश है। कांग्रेस का ये आरोप है कि धारा 370 के बहाने बीजेपी कश्मीर का ध्रुवीकरण करना चाहती है। जब से जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगा है, ना बीजेपी ना केंद्र सरकार से ऐसी कोई बात सामने आई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, 2019 के लिए कश्मीर में कांग्रेस का कम्युनल कार्ड है क्या ये? अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था 8 घंटे बाद जम्मू बेस कैंप से रवाना। ऐसे में सवाल उन लोगों से पूछना बहुत लाजमी है जो रमजान के पाक महीने में एक तरफ सीज फायर की लगातार वकालत कर रहे थे। अब सवाल ये कि क्या वो अब रमजान में सीज फायर की दुहाई देने वाले भक्तों के लिए आतंकियों पर रोक लगाएंगे? एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर वाले मदरसों के आधुनिकीकरण वाली मोदी सरकार नीति से तो आप वाकिफ होंगे ही अब तक। अब इसी आधुनिकीकरण की नीति में मदरसों के लिए शिक्षा बोर्ड से मान्यता भी जरूरी होगी। और इसीलिए सवाल ये कि देश में मदरसों पर मौलानाओं का कब्जा कब तक रहेगा?